अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर, वो भी नए अंदाज से और झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बिना खवे के बनने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। ये देखो मैंने गैस ऑन किया है और 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध स्लो गैस पे अपने को गर्म करना है। दूध गरम करते वक्त अपने को बार बार हिलाना है ताकि नीचे से जले ना। दूध भी अच्छे से गरम हो चुका है, देखो थोड़ा थोड़ा गरम हो रहा है। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन करके लेते हैं। इसको ऐसे ही स्लो गैस पे और गरम होने देते हैं। साबूदाने की मेजरमेंट बताऊँ तो ये है ना, मैंने 2 कटोरी साबू भिगोया था। जैसे ही अपनी नॉर्मल खिचड़ी बनती है इस तरह से, उसी बाउल से अपने को शुगर का मेजरमेंट लेना है। मैंने 1 कटोरी लिया है लेकिन वो थोड़ा सा फीका हो गया था, तो तुम आपके मीठे के हिसाब से भी ले सकते हो। मैंने 1.5 कटोरी शुगर लिया है। दूध को भी देखो अच्छे से बॉईल आ गया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे। शुगर ऐड करके लेते हैं, देन उसके बाद हम मिक्स करेंगे और भी। उसके बाद हम 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके ले लेंगे 1 मिनट तक। चीनी मेल्ट हो रही है जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन करके ले लेते हैं। एक बाउल लेकर उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और उसके अंदर 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर। मिक्स करके ले लेंगे। कस्टर्ड भी अपना मिक्स हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे दूध के अंदर जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया, बस उसी तरीके से मिक्स करना है। 1 मिनट तक अपने को कस्टर्ड को पकाना है दूध के अंदर। कस्टर्ड को भी 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबू। साबू को भी थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। साबू को भी 3 से 4 मिनट अपने को अच्छे से कुक करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी, छोटे चम्मच ऊपर से ही ऐड करना है एंड मिक्स करना है। बार बार अपने को चम्मच चलाना है ताकि नीचे से साबू जले ना। साबू भी अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट कटे हुए और मिक्स करके गैस ऑफ करते हैं।
और ठंडा होने के बाद डिश आउट करके ले लेते हैं। ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है देखो गाइस, और इसको हम फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। और जैसा अपने को लगेगा ऐसे लेके थोड़ा सा दूध मिक्स करके गर्म करके खा भी सकते हैं। तो कैसा लगा मेरे को ये रेसिपी बताना, और ज़रूर ट्राई करना, बहुत मस्त लगती है।